फाइनली ऑल दी प्रेप्स हैव बीन स्टार्टेड। मैं आ गई हूँ सामान लेके अपने स्टूडेंट्स के लिए। 12 बज रहे हैं, 1 बजे टाइम है। मैंने बाल भी धुलवाए हैं अभी, तो बस फटाफट अब तैयार होंगी। इतना सारा सामान एंड मोमेंट फिर ने बोला केक लखी ली। मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि वो डिलीवर करा दे, बिकॉज लेने जाती तो आज बहुत लेट हो जाती है। दीदी आई हुई है खाना बनाने के लिए, बहुत बहुत अच्छा बना रही हैं। मैंने टेस्ट किया तड़का लगा। आई एम ऑल रेडी। सो ये है मेरा आज का लुक, मैं अभी आपको दिखाती हूँ पूरा पहना हुआ। दादा को दिखा के लाते हैं। दादा कहते हैं फोन करके, दो फोन आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जब बच्चे जाए ना उनको कहियो कि बाबा का मत्था टेक के जाए। ठीक है, हमारी आंटी भी इतना अच्छा बना रही है। कैसा लग रहा है कपड़े? बढ़िया ना, कोट पैंट अच्छे हैं। अभी यहाँ से लिए थे सोनीपत से ही। हाँ, उस दिन पापा ने कोट सिलवाया था पिछले वेबिनार के लिए, 4000 का था वो। ये पता पूरा कितने का है? 4000 का पूरा है ना। हाँ सबको बोलोगे? 1 बजे बुलाया, अभी टाइम होने वाला है, 15 मिनट रहते हैं। वो खाना बना रही हैं, बस ड्राइंग रूम साफ हो रहा है, इतने में आ ही जाएंगे। हाँ अच्छा बना रही है। सर्टिफिकेट दूंगी, थोड़ा स्नैक्स खिलाऊंगी, पहले स्नैक्स खिलाऊंगी फिर सर्टिफिकेट वगैरह। मैं क्या क्या रेडी हो गया? अच्छा ये आपने कटलेट बना के रख दिए, वाह वाह। और वो दही भल्ले भी कर दिया आपने? नहीं, सब्जियां कहाँ रखी है फिर? बाहर रखी है, फ्रिज के पास। अच्छा वाह, शाही पनीर की तो बड़ी अच्छी शक्ल आई हुई है। राजमा मम्मी ने टेस्ट कराए थे मुझे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। दीदी को लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, पर नहीं दीदी सच्ची में अच्छा बनाया, परफेक्ट है। आप ही को हर सर्टिफिकेशन दे के बुलाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब बस मैं ये टेस्ट करती हूँ इसी के लिए लगा के। पनीर भी अच्छा है, बाहर वाले पीआई दे रहा है, शाही पनीर है ना ये। गाइज देयर वाज अ सडन चेंज इन प्लान। मैंने अपने कपड़े बदल लिए। मैंने इसके नीचे बेसिक ब्लैक पहना, क्योंकि मेरे फैशन एक्सपर्ट ने बोला कि इसके नीचे ब्लैक जाएगा, तो मैंने ब्लैक बोला, ब्लैक पहना। और क्या कहते हैं, आज मैंने बैंड लगा रखा तो ये अच्छा लुक दे रहा, तो आज मैं इसको यही लगा के रखूँगी। एंड मैंने बहुत बेसिक सा मेकअप कर रखा है, होप आपको अच्छा लग रहा हो। और ये मेकअप मैं लेके आई थी ड्यूटी फ्री से, जब हम दुबई गए थे तो मेरे पापा ने मुझे दिलाया था ये बॉबी ब्राउन का, एंड काफ़ी अच्छा है। मैक का कंसीलर, बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन, एंड बॉबी ब्राउन का ही ब्लश है, और मैक का हाइलाइटर है। अब बस एक चीज़ की कमी है, विच इज़ लूज पाउडर, जो आरती लेके गई हुई है, और मेकअप फिक्सर। बाकी वी आर ऑल रेडी। दीदी ने बहुत अच्छा खाना बना दिया है, और हम हर बार बाहर से मंगवाते थे, इस बार हमने सोचा कि क्यों ना घर पे बनवाते हैं। बहुत अच्छा, हाइजीनिक और बढ़िया स्नैक्स भी बन रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएगी। सो लेट्स सी कैसा जाता है। 1 बजे का टाइम है अभी, तो बच्चे ऑफ कोर्स नहीं आएगा, थोड़ा धीरे धीरे तैयार श्यार होकर आ रहे होंगे। आज तुमने अपने जलवे दिखाने हैं जो। सो पीपल होम सर्वर इज वॉचिंग दिस, आज लास्ट डे है मेरा DM बैच 7 का। गिव योर ब्लेसिंग्स, एज मेनी एज ब्लेसिंग्स यू कैन, टू माई इंस्टीट्यूट। हियर्स टू अनदर सक्सेसफुल बैच। आज हमने टोटल 7 बैचेस पढ़ा चुके हैं अब तक, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है 2 सालों के अंदर। एंड 2 सालों के अंदर भी ये लगा लो 6-6 महीने के होते हैं, तो पहले तो मैं इतने पढ़ाती नहीं थी, लेकिन अब मैं पढ़ाने लग गई हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, कुछ सही चल रहा है, बच्चे कमा भी रहे हैं। और करेंटली इस बैच में 1-2 बच्चे हैं जो इस टाइम पर भी अर्निंग कर रहे हैं, उन सबका हम रिव्यू लेंगे आज। एंड बस अब मैं टोटली तैयार हूँ, मैं अपने सैंडल पहन रही हूँ, केक मेरी फ्रेंड दे के जाएगी, स्नैक्स मतलब कटलेट आंटी बनाई दी हैं, कोल्ड ड्रिंक मानव ले आएगा, एवरीथिंग डन। मानव मेरी मासी का बेटा जो मुझे पढ़ता भी है। टेबल साफ़ करना भूल गई थी आज की, तो सबसे पहले टेबल साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये रहा मेरा इंस्टीट्यूट का लोगो, जिस पर लगता है मुझे कपड़ा मंगवाना पड़ेगा, ये कपड़ा आंटी ने सही से नहीं मारा। इधर इधर ही रख दे। हेलो हेलो भूमिका, हेलो। आज मैंने आपको तैयार हो सके देखा, आज मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है क्या? हेलो। सो हे पीपल, मीट माई स्टूडेंट जय डिमला। ये मेरे पास, ये मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था जब मैंने अपना काम शुरू किया था। ये मेरे पास आया था 2020 में, आज है 2023।
मैंने इसको दोबारा से बुलाया था कि तू रिवाइज कर ले जितने भी नए कंसेप्ट आए हैं. कैसे लगा आपको दो साल में डिफरेंस? तो ज्यादा ना चेंज हो गया, जो पहले था ना वो बिल्कुल भी नहीं था. और कॉलेज से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और जॉब के लिए भी अप्लाई किया, प्रोजेक्ट भी किया एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉलेज का अटेंडेंस का इशू होता था. बट ठीक, दो सालों में क्या रहा, आपने कमाया? हाँ, दो सालों में आपने देखा कोर्स चेंज हुआ? हाँ, बहुत चेंज हुआ, पहले तो बिल्कुल चेंज था. तो दो साल में ये कोर्स हर बार चेंज होता रहता है, तो आपके स्टूडेंट्स को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनमें अपडेट करते रहो. तो मेरा हर एक स्टूडेंट किसी भी बैच में आके पढ़ सकता है. जय, आप अभी भी सेटिस्फाइड हो जैसे दो साल पहले थे? मैं तो रेफर करूँगा, भाई दीदी के पास ही आओ. पर आज भूमिका जो सबसे अलग लग रही है ना. भूमिका आज तैयार हो क्या है आप? पार्लर गए थे घर से? भाभी से तैयार हो? चल भाभी मेकअप आर्टिस्ट है आपकी. तो आज जय भाई सब भी अलग लग रहे हैं. जय डेम्बला व्लॉग्स, जिसके मैं व्लॉग्स देखती हूँ खाना खाते टाइम. मैं ना मतलब फ्राइज को फिंगर बोलते हैं. मैंने कहा किसी के आगे बोला फिंगर बनवा रहे हैं. फिंगर क्या होता है? फ्राइज होता है. सही में मैं तो फिंगर लेने जा रहा हूँ और मेरे को फेवरेट है, शादियों में वही जाके खाता हूँ. भूमिका आपका क्या फेवरेट है? क्या था व्लॉग में? पकौड़े हलवा. अच्छा, वो कह रही है मेन्यू जो आपने दिया था ना, वो मानो तेरा क्या फेवरेट है वगैरह, जो मिल जाए वो बढ़िया है. तो गाइस ये देखो, इनके गिफ्ट एंड सर्टिफिकेट पड़े हैं और शायद कुछ बच्चे ऊपर आ रहे हैं. धीरे धीरे आवाज आ रही है. चलना शुरू कर देते हैं अभी, फिर 5-10 मिनट में तल ही रहे हो. चलो वाह, का बेस बना रखा है. वाह, कितना टाइम हो गया आपको खाना बनाते बनाते? अच्छा ये दीदी, अच्छा बेस आपने वो भल्लो के लिए रख दिया ये. वाह, चटनी भी सही रखी है. मैं टिश्यू पेपर ले जाती हूँ अंदर, एक पैकेट यूज होगा उसका. कैसा लग रहा है, हमने खर्चा किया? टिश्यू बॉक्स भी रखा है तुम्हारे लिए. बढ़िया है. टिश्यू तुम ऐसे तो उठाते ना, ग्लास में होता होगा उसमें से उठा लेते होगे. व्हाइट रैबिट में, वैसे मैं बताता नहीं बट बंद हो गया. ठीक है, व्हाइट रैबिट में क्या? मैं बताने नहीं चाहता कैमरे के आगे. बताओ तो सही, टिश्यू मारा आता था वहां से जो चिल्ली फ्लेक्स की वो नहीं होती थी, उसमें से चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगैनो लेके आते थे हमने साथ भाई साथ. और घर में सैंडविच में डालते थे. वो तो हर कोई बंदा लेके आता है. तुम्हारे टिश्यू बॉक्स भी रेडी? देख लिया था. फिर कहा कि वापस नीम दो हमारे, बोले तो नहीं थे बट मेरी दोस्त ने जेब में डाल लिए. भाई मानव ये ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स लेके जाता है कि आज ध्यान रख लियो. मम्मी का ध्यान रखना. दही भल्लो के लिए ना मीठी चटनी और वो ग्रीन चटनी भी बनी है, वो तो नहीं लेके जाओगे? नहीं नहीं, नहीं. लग रहा तुम दोनों को आखिरी दिन बुलाना था हमने चीफ गेस्ट के लिए. ऑफिस पे नहीं थे, कहाँ गए हैं? अच्छा, सबसे पहले आए हमारे लिए कटलेट. मनु जी प्लीज सर्व करिए सबको एंड बताइए कैसे हैं. घर पे बनवाए हैं सारे? मैं केचप ले आती हूँ. आंटी ने नहीं बनाया, एक दीदी आई है. ये एक लड़कों की हवाबाजी नहीं होती थी. आंटी ने बनाया तो अच्छे बनाए होंगे, बिना टेस्ट करे. तनु हेल्प करना है इसकी. हमारा केक भी सुंदर आया वैसे, इसको रखवा देते हैं अभी. कैसा रिव्यू है तनु, खाया? मेरा तो फास्ट क्यों रख दिया, तोड़ दो आज फास्ट. इतना सब कुछ खाने का है, किस चीज का फास्ट है यार? कोई नहीं, मैं बताता हूँ. ये तुम बताओ. भूमिका ये लो केचप भी है, जिसमें केचप चाहिए होगा केचप भी ले लो. तनु फिर तुम फास्ट है, तुमने बताया क्यों नहीं? फास्ट वाली चीज बनवाते तुम्हारे लिए. तोड़ लो ना एक दिन के बाद. अच्छा पति मांग रही है. अच्छा पति मिल जाएगा यार. हरी अंकल अपनी बेटी के लिए जो भी ढूंढ के लाएंगे, एक नंबर ढूंढ के लाएंगे. कैसा है? बढ़िया. बहुत अच्छा. कैसा माना? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. अभी श्रुति मैम भी आ रही है. दीदी उन्हीं के लिए थोड़ा सा लेट हुआ है कि हम सेम टाइम में आ गए थे सबके साथ. वाह.
श्रुति मैम आप भी जाओ, मैम को भी लो, तुम भी जाओ यार, इतनी का खुशी भूमिका जी मैम आपके संगीत वाली वाइब दे रहे हैं आपको ये सारे फिर yes. क्या नो no. चलो मनु कैमरा निकाल ले चलो 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 मनु आ जाओ आ जाओ सक्सेसफुल बैच वन हो गया मम्मी हो गया क्या बस हो गया कटी जा अच्छा एक बार बता दो रिव्यू क्या है टोटल तुम लोगों का आपका भाई साहब जिंदा आप क्या कह रहे हो जिंदा जिंदा क्या का रिव्यू कैसे लगा 6 महीने आपका मानो गुड वेरी गुड आपका गिरीश आपका एक्सीलेंट ओके आपका बढ़िया आपका मेरा रिव्यू ऐसा है कि मैं यहाँ से जाने ही नहीं चाहती हूँ यार वो तो है आपका तन्नु अच्छा आपका बहुत बढ़िया है तालियां मार दो क्या बोलेंगे ये मैं कम्युनिटी से लगेंगे भूखी कहेगी ले ही जा रही है बोल ही रही नो नो बाय जान बाय क्या खा रहे हो ना आप ठीक है
धार्मिक मेंटर है यार। दीदी आपके लिए ना सोचना मुश्किल हो जाता है, ऐसा सारी मूर्तियां आपके पास है ना। तेरे दिमाग में ऐसा आया तेरे कहाँ गया? बहुत अच्छा खाना बनाया दीदी, दीदी है ना। हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, थैंक यू। थैंक यू दीदी। केक भी बनाते हो आप? वाह, गाइस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज तक दीदी हमसे पूछती आई थी कि तुम्हें हमारा बैच, मतलब तुम्हें ये बैच कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। आज हम पूछेंगे दीदी आपको हमारा बैच कैसा लगा। बहुत ही जबरदस्त सिस्टम हैंग मन्नू के लाइन में। मन्नू तो मेरे से पढ़ा ही नहीं है, बाकी सारे पढ़े हैं। सब पढ़े हैं गाइस। तुम निकला कौन कौन है मेरा से? एक अरे मतलब वैसे तो क्लास से सारे निकले हैं। मैंने निकला कभी? तूने आया नहीं था। हां तो मैं स्मार्ट हूं ना, पहले पता था निकलना। तो मेरा रिस्पांस काफी अच्छा रहा डीएम बैच से। सब्सक्राइब पूरा अधिकारी दीदी दोबारा से प्लीज। मेरा एक्सपीरियंस डीएम बैच 7 के साथ बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच दीदी। अब मैं यहीं पे अपना व्लॉग खत्म कर रही हूं। यहाँ तो मानव का पता नहीं चला कि क्या याद का, पहले 2 महीने में लग रहा था लेकिन स्टिल 6 महीने फटाफट टाइम चला जाता है। सुबह वाले बैच को भी जल्दी हो गया टाइम, वो भी कह रहे थे। पढ़ाती हूँ मैं कैनवा से स्टार्टिंग करती हूँ। आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ेंगे, आज हमारा पहला दिन है। okay. तो लोगो क्या होता है? लोगो ये होता है। हाँ बाय नैन्सी। बाय दीदी। स्कूटी की चाबी कहाँ तुम्हारी? उसके बाद फर्स्ट डे भी साथ आए थे, अब जाएंगे भी साथ में। बाय। ये सबकी रैम वॉक हो रही है। बाय यार जम क्यों गए? सो हे पीपल वेलकम टू माय व्लॉग वंस अगेन। सो उस दिन ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज एक तो मैं थक गई थी, मेरे को ना उस दिन से अपनी आंखों में इरिटेशन हो रही थी। तो अभी ना मेरी लेफ्ट आई ना थोड़ी स्वेल हो रखी है और ये छोटी बड़ी भी हो रखी थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी आंखों में। मे बी लेंस मेकअप तक अडेप्ट नहीं हो पा रहे, धीरे धीरे करके अडेप्ट होंगे। और क्या कहते हैं, मैंने आज अभी भी जस्ट ड्रॉप्स डाली हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक ब्लॉग लिखूं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, फेयरवेल के ऊपर। और मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे उस दिन क्या क्या चीज़ें मिली थी। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें मिली थी। देखो सबसे पहली चीज़ तो स्माइली जो मैंने देखो अपनी चेयर पर रख दी है, इसको तो मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगी। फिर मेरे को ये मिली थी, ये मुझे मेरी मासी के बेटे मानव ने ही दिया था, वो चॉकलेट भी दी थी। ये टर्टल एंड ये नीचे जो भी इसके ग्लास है ये लगा लो, इसके अंदर पानी भर के रखेंगे, कहते हैं लकी होता है। तो ये चीज़ भी मैं इसकी अच्छी खासी जगह बनाऊंगी और इसकी डायरेक्शन देखेंगे कहाँ रखनी है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है इसको कहाँ रखते हैं। दूसरी चीज़ मुझे मिली ये गुरुजी की फ़ोटो, हमारे रूम में हमने गुरुजी को भी एंटर कर दिया। तो ये छोटे से मंदिर में ये रहा। मेरे को टी शर्ट भी मिली, मुझे एक आज स्टूडेंट्स ने ला के टी शर्ट भी दी मेरे लोगों वाली, जो ऑफकोर्स मैं कल को जितने भी वेबिनार्स होते हैं फिर कल को अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई बड़ी तो मैं उधर जाऊंगी या उस टी शर्ट को ही पहन के जाऊंगी जो इन्होंने मुझे दे रखी है। एक ब्लैक प्लेन टी शर्ट तो मुझे चाहिए भी थी और मेरे को वो मिल भी गई, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी मुझे वही मिली हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ चॉकलेट्स मिली हैं वो मैंने फ्रिज में रख दी थी कल, और आपने जितना भी व्लॉग देखा होगा आई होप आपको हमारा फेयरवेल का दिन अच्छा लगा होगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ये व्लॉग देख रहे हैं ऑफ़ कोर्स आई विल मिस यू ऑल, और अब तक जितने बैचेस गए हैं हम आप सभी को मिस करते हैं।
बिकॉज सबकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है और उसी पर्सनैलिटी पे ना मैं आज एक ब्लॉग लिखने का सोच रही हूँ। दो मेरी आँखें स्वेल है लेकिन फिर भी मेरा बड़ा मन कर रहा है कि लिख लो, बाद में फिर ये इमोशन दो या ना हो। तो मैं करती हूँ झूमर ऑन, गाने लगाती हूँ, ब्लॉग या ब्लॉग लिखती हूँ, इसको एडिट करती हूँ। एंड कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सपोर्ट माई बिजनेस एंड थैंक यू जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं एंड ऐसे आगे करते रहें। वीडियो कॉन्शियस हो गया, वीडियो DM बैच 7 कल जाता हुआ बैच आज फिर वापस आ गया। आपने तो कही था मैं मत भेजो, क्यों भेजा था आपने इस गिफ्ट के साथ?